वर्सेज यूएसए का मैच का रिजल्ट सबको पता चल गया है, पहला अपसेट इसे कहा जा रहा है। बट आई थिंक अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हो तो आपको दिल का मरीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस किस्म की परफॉर्मेंस कल पाकिस्तान ने दिखाई और जिस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन था, जिनका दिल दुखा, सो आई थिंक ओवरऑल इट वॉज अ वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज द मैच वॉज अप अगेंस्ट यूएसए, उनका डेब्यू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान सुपर ओवर तक मैच को लेके गया, उसके बाद पाकिस्तान सुपर ओवर में मैच हार गया। तो आज वैसे तो डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, बट आई एम श्योर जितने भी हमारे फैंस हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऑल ऑफ अस पैनलिस्ट हियर आर आल्सो इक्वली फ्रस्ट्रेटेड, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सिट एंड डिस्कस एंड डाइसेक्ट कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या रीजनिंग्स हैं और इसको आगे मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज एक्चुअली प्लेंटी ऑफ कॉन्टेंट दैट वी हैव फॉर यू टुडे ऑन द फ्लिक। ठीक जी, मेरे साथ हमारे यूजुअल पैनलिस्ट मौजूद हैं, कोच साहब मिसबाह उल हक, फॉरएवर खिलाड़ी शुएब मलिक एंड द ओरेकल ऑफ क्रिकेट बाजिद खान। मिसबाह, कल की परफॉर्मेंस वॉज शॉकर, जिसे कहते हैं कि अगर कोई वर्ड डिस्क्राइब करना हो तो आई थिंक एम्बैरसिंग वुड बी द करेक्ट वर्ड, इट वॉज एक्सट्रीमली एम्बैरसिंग। अटर डिसअपॉइंटमेंट आप कहेंगे कि एट एनी स्टेज प्लेइंग अगेंस्ट यूएसए, हमें नहीं लगा कि मैच कहीं पे भी हमारे कंट्रोल में था। राइट फ्रॉम द स्टार्ट, टॉस से लेके बैटिंग स्टार्ट हुई, बॉलिंग, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान लगाया कि पाकिस्तान के हाथ में और हम डोमिनेट कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके पीछे बड़ा कुछ आप कह सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, एक एक चीज़ पे हम डिस्कस भी कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन्स जो कुछ हुआ है पिछले 6-7 महीने से, वनडे वर्ल्ड कप से पहले म्यूजिकल चेयर, जो चेयरमैनशिप की चली, फिर कप्तानी की चली, फिर अपने अपने ओहदों की चली, बोर्ड में हर बंदे ने कहा कि लो जी मैं लुट लाँ कुछ जो मेरे हाथ से चाह जाए, बट जो वजह हमारी थी वनडे के वर्ल्ड कप में उसको हमने नहीं सेटल डाउन करने की कोशिश की, वही बैटिंग ऑर्डर के मसले, वही स्पिन बॉलिंग में हमारी प्रॉब्लम्स, वही बैलेंस ऑफ द टीम कैसे होगी, प्लानिंग, कैप्टनसी, सारे के सारे वो क्रॉनिक जितने मसले थे वो कल हमारे सामने आए। आप देखें राइट फ्रॉम द स्टार्ट, आप देखें स्क्वाड जो हमने पिक किया, हम उस वक्त से कह रहे हैं कि भाई आपका बैलेंस नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आपका स्पिनर एक जो बैठा हुआ है आपको कंडीशंस कह रहे हैं स्पिनर खिलाना है यहाँ पे, आपने नहीं खिलाया। उसके बाद वेरी कैजुअल अप्रोच, टिमिड, ऐसे लग रहा है वो डोमिनेट कर रहे हैं, हम बैठे हुए इंतज़ार में कि कुछ या अल्लाह मदद कुछ हो जाए, वो चीज़ें सामने नज़र आई हैं आपको। नो प्लान, बाबर ने कहा कि प्लान एग्जीक्यूशन नहीं, देयर वॉजेंट एनी प्लान, हमारी बॉलिंग को प्लान इतना भी नहीं था हमारा कि पहले ओवर के बाद हमें अचानक ख्याल आया कि नसीम ने नहीं करना, आमिर ने करना, वो रनअप लेने जा रहा है और वहाँ पे हमारा प्लान, तो क्या प्लान था जो हमने एग्जीक्यूट करना था, हमारा तो 2 ओवर का भी प्लान नहीं था, अंदर जाके चेंज हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, क्लूलेस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गेम अवेयरनेस। यार एक अभी टीम आई है उसके प्लेयर्स की गेम अवेयरनेस चेक करें और हमारी चेक करें, कीपर के पास है वो 2-2 रन ले रहे हैं और हम सुपर ओवर में भी गेंद बीट होने के बाद खड़े हैं आराम से, वो फिटनेस में भी, स्पीड में भी, स्मार्टनेस में भी, विजिलेंस में भी, हर चीज़ में उन्होंने हमें मार दिया। हम ऐसे थे कि हम जीते हुए हैं शायद, कोई मसला नहीं है, और इसी उसमें वो हमसे मैच ले गए। क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिए, उनके प्लान्स थे, जेओ बैटर शॉर्ट बॉल अच्छी खेल रहा है, गाउस साउथ अफ्रीकन है, उसको हमने एक दो शॉर्ट बॉल किए, स्टार्ट में हमने किसी बैट्समैन को 4 टॉप क्लास फास्ट बॉलर हमारे बाउंसर तक नहीं किया, पर एंड पे जो हमारी प्लानिंग थी वो तो आपके सामने है कि हमने यॉर्कर मारना होता है, स्लोअर वन करना होता है, हमारी मिड ऑफ पता नहीं ऊपर क्या कर रही होती है, क्रूशियल स्टेजेस पे ये होता है। तो आई थिंक a lot of things which we can dissect, but ये writing on the wall थी, ये चीज़ नज़र आ रही थी हमें कि ये कहीं ना कहीं ऐसा होना है, and that happened।
अच्छा ठीक है, एक मैच समरी पे भी नजर डाल लेते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट दिस वेदर, ताकि लोगों को थोड़ा सा और रिमाइंड करें और दुख भरी दास्तान को दोबारा से ताजा करें। ये हुई थी सिचुएशन, पाकिस्तान ने किया था 159/7, जो कि कहा जा रहा था कि वैसे ही रन कम हैं 20 ओवर्स में इन कंडीशन में, लेकिन किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गया। बाबर ने 44 किया, ही वाज द वन हु वाज स्टैंडिंग ऑन द विकेट एंड कैरिंग द बैटिंग। शादाब ने भी आगे से कॉन्ट्रीब्यूट किया, 40 किया उन्होंने। लेकिन यूएसए की तरफ से लेट्स नॉट फॉरगेट उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग थी। नेत्रा वलकर की बड़ी स्टोरी है, किस तरह से उन्होंने अंडर 19 में जो है इंडिया के लिए खेला हुआ एंड देन ही ट्रैवल टू द यूएस। सो आई थिंक यूएसए को फुल क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई। बट देन इन रिस्पॉन्स आप देख लें, अगर यूएसए का आगे से जो रिस्पॉन्स था 159 तक वो ले गए, उसके बाद सुपर ओवर हुआ और मैच टाई हुआ और उसके बाद यूएसए वो जीत गया सुपर ओवर, बिकॉज इतने रन से पाकिस्तान वो नहीं कर सका। जी शुएब, 160 जब हुआ था, जब स्कोर हुआ था, पहले तो ये बात हो रही थी कि थोड़े रन कम है, बट देन यू वुड यू नो यू सिटिंग इन दैट ड्रेसिंग रूम और एज अ पाकिस्तानी फैन यू वुड स्टिल बैक द पाकिस्तान बोलिंग टू डिफेंड दिस। मतलब कि सुपर ओवर पे तो हम बाद में आएंगे ना, बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो आपकी बोलिंग है, जो आप पेसर्स लेके गए हो, वुड यू बैक देम टू डिफेंड 160? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि बाजिद के पास बहुत कम टाइम रह जाता है, ये इनसे आप चले पहले आप बोले। बाजिद असल में बहुत आज अफसोसा है और उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो वो हमारे साथ शेयर कर। जब खुश होते हैं तो आप सवाल नहीं करते, आज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आज आप बहुत ज्यादा अफसोसा है ना, तो आज आपसे जरूर। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि पाकिस्तान बड़े बड़े मैच आ रहा है, ये पहली दफा नहीं है किसी टीम से हार, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये है कि एक दिन में दो दफा यूएसए से हार गया। 35 ओवर यूएसए ने डोमिनेट किया है आपको, 40 में से सुपर ओवर निकाल दे, 35 ओवर डोमिनेट किया। अगर आप वैसे मैच देख रहे हैं न्यूट्रल होके, तो डिजर्व करते थे यूएसए मैच जीतना। आपने तो आखिरी 3-4 ओवर जो आमिर नसीम और शाहीन ने ओवर किया, उससे थोड़ा आप वापस आए, वरना तो ऐसे लग रहा था जैसे वो अफगानिस्तान वाला मैच अगर याद हो, अफगानिस्तान जो वनडे वर्ल्ड कप में चेस किया था, क्लिनिकल चेस, उसकी सारी वो निहार आ रही थी इस मैच में। फिर आप ये देख लें कि पावर प्लेज, दोनों पावर प्लेज देख लें। बाबर कहते हैं कि हमारी वो एग्जीक्यूशन नहीं थी, एग्जीक्यूशन आप खुद खेल रहे थे, एक स्टेज पे आपने मेरे ख्याल 7 बनाए थे 23 बॉलों में, तो एग्जीक्यूशन तब कहाँ गई। फिर आप बॉलिंग करते, मेजबान ने इस पॉइंट पे पहले बात कर लिया कि आगे से बॉल नहीं कुछ हो रहा, नहीं स्विंग हो रहा, बाउंसर नहीं कर रहे, वो काछूपुरे से तो नहीं आई हुई टीम, वो खेले हुए हैं, उनको आगे से नहीं आउट हो रहे, तो कुछ तो करो। फिर आप स्लिप रखते हैं जो ऑलमोस्ट शॉर्ट थर्ड पे खड़ा हुआ है, एक उसके पास से निकल जाती है, दूसरे आगे गिर जाती है, थर्ड स्लिप है, थर्ड स्लिप कीपर से इतना पीछे कैसे खड़ी हो सकती है? मुझे मतलब डायसेक्ट करने का तो बड़ा कुछ है, बट ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि पाकिस्तान टीम हर दफा ऐसे ही करती है। हर दफा आप इंडिया को अगर हमने हरा दिया तो ये सारा कुछ वॉश हो जाएगा, मसला ये है कि हम वो सारा कुछ फिर वॉश कर देते हैं जब पाकिस्तान टीम जीतने लग जाती है, लेकिन ये इश्यूज तो आपके रहेंगे। और ये इश्यूज जो हैं, बाय द वे, जैसे बाजी ने कहा, ये कोई नए इश्यूज नहीं है, दिस इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन बिल्डिंग अप फॉर पाकिस्तान। शुएब, वही बात आ गई कि एलिमेंट्री मिस्टेक्स, बिल्कुल बेसिक मिस्टेक्स, फील्ड प्लेसिंग, अब ये चीज तो टू बी ऑनेस्ट आपकी थोड़ी बहुत कप्तानी में भी आती। देखिए मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ एक ही चीज़ कि ये इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, जहाँ पे जब भी आपका मैच फंसेगा तो वो आपकी जो बैटिंग वाली स्किल है या बॉलिंग वाली स्किल है उससे नहीं आप मैच निकालेंगे, वो आप निकालेंगे लीडरशिप की जो स्किल है उससे। तो वो मिसिंग है, वो मिसिंग है वो वाला पार्ट। और देखें जब 159 हुआ था तो 159 अगर आपको पता है आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, रिगार्डलेस आप किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलें, आपको पता है कि आपका बॉलिंग अटैक स्ट्रगल कर रहा है और उसने जितनी सीरीज खेली हैं उन्होंने लंबे रन्स दिए हैं और सारे बॉलर आपके स्पेशली जो आपके स्पिनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं सिवाय इमाद वसीम के, और एक को हम लोगों ने इब्रार को खिलाया नहीं, वो वैसे ही आ जाएगा वापस, सैर करने गए हैं इब्रार, हाँ इंशाल्लाह वो वैसे ही आ जाएगा वापस। तो आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं और अब आप अंदर खेल रहे हैं और कोई ऐसा अटैक नहीं था, ठीक है मुश्किल थी पिच, मुश्किल थी, मॉइस्चर था, हर चीज मानने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन एक चीज मानने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ कि आपका इंटेंट ही नहीं था। आपका इंटेंट जो था वो आप ब्लॉक कर रहे थे बॉल्स को,
आपने ब्लॉक नहीं करना, आपने इंटेंट शो करना है, जो कि हमने इंडिया वाले मैच में देखा, बहुत मुश्किल पिच था न्यूयॉर्क की कंडीशंस में, लेकिन दे वर ट्राइंग और वो ट्राई वो थी कि जो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमारे पास से कोई रिक्वायरमेंट नजर नहीं आई. सो आपका बॉलिंग अटैक स्ट्रगल कर रहा था, आप उस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं कि जिस टीम के जो प्लेयर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, सौरभ जिन्होंने सुपर ओवर करवाया है, ये हमारे साथ आके सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठते थे CPL में, जस्ट टू लर्न क्रिकेट और जस्ट टू लर्न हाउ टू बोल, मतलब किस सिचुएशन में कैसी बोलिंग करनी है. सो ऑल द क्रेडिट टू हिम, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स. तो उन्होंने सीखा और उन्होंने दिखाया भी कि अगेंस्ट बहुत अच्छी टीम जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की. तो अब जब आपका स्ट्रगल कर रहा है अटैक, तो अब आपने क्या सोचना है? आपने यही सोचना है कि ना नहीं यार, हम लोगों ने एटलीस्ट ऐसा टोटल जो है देना है अपने बॉलिंग अटैक को कि वो डिफेंड कर सकें. और आपको पता है कि US की टीम जो है, अगर हम जब टॉस हुआ तो उनके कैप्टन ने कहा कि चेजिंग ऑन दिस पिच इज वेरी इजी, वेरी इजी, जो कि लगा भी. और ये तो सुपर ओवर में मैच हम लोग नहीं लेके गए, वो लोग लेके आए थे सुपर ओवर में. जैसी जैसी सिचुएशन चल रही थी, सुपर ओवर में नहीं जाना था, एक दो ओवर्स पहले खत्म हो जाता. ये तो रिवर्स स्विंग शुरू हुआ है जब नसीम ने आगे अपना थर्ड ओवर शुरू किया, तो ये आप मैच में वापस आए हैं. वो रिवर्स स्विंग नहीं होता तो बहुत मुश्किल था. और दूसरी मुझे ये नहीं चीज समझ आ रही कि रिवर्स स्विंग हो रहा है, दो राइट हैंड बैटर्स हैं और आपने मिड ऑफ ऊपर रखी हुई है, रिवर्स स्विंग पे 150 वाले को कौन ऐसे शॉट मारेगा? थर्ड मैन ऊपर बुला के मिड ऑफ पीछे कर लें आप. आपको पता है एरन जॉन्स जो है उन्होंने पिछले मैच में 10 छक्के मारे हैं, आप उठा के देख लें, सारे ऑन साइड पे हैं. आप फिर उसे फॉलो कर रहे हो, यार आउटसाइड ऑस्टम करा लो यार, कुछ कर लो. मतलब देखें, प्रोएक्टिव होना चाहिए आपको. और एक बाउंड्री पे सारे गिर जाते हैं, एक बाउंड्री लगती है किसी बॉलर को, आप देखें ना फील्डर को बैक कर रहा होता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता. द गेम इज नॉट अबाउट वन बाउंड्री, वन बॉल, द गेम इज अबाउट 40 ओवर्स, और 40 ओवर्स में अप्स एंड डाउन आएंगे. सो वो जो एक टीम यूनिट है ना, वो नजर नहीं आता. दे नॉट प्लेइंग एज अ टीम, दे आर प्लेइंग एज इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स जो है वो नहीं जीत सकते. सर आपको आपने ज्यादा सिखा दिया, ज्यादा हो गया मलिक साहब, अब एक जो है रिविजिट करते हैं उस सुपर ओवर की, बिकॉज दैट वॉज एब्सोल्युटली क्रूशियल, द टिपिंग पॉइंट ऑफ लूजिंग दिस गेम. अच्छा जी, पहली बात तो ये मिसबा, वॉज दिस द करेक्ट चॉइस? वॉज बोलिंग आमिर द करेक्ट चॉइस? एंड क्या कहेंगे, काफी थोड़े एक्स्ट्रा हो गए? आई थिंक उस दिन पे गए हैं, स्पेशली जो आमिर ने अपना लास्ट ओवर किया है, हमें 4 रन दिए हैं उसमें, सेकंड लास्ट ओवर में मैच में वापस लेके आए हैं. उसके बाद क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे मेरे ख्याल में, इसलिए ही उनको पिक किया उन्होंने. बात ये नहीं कि ओवर किसने किया है, शाहीन कर सकता था, हारिस वेंट फॉर रन इन द लास्ट ओवर इसलिए उसको नहीं कराया, नॉर्मली नसीम को ये डेथ बॉलिंग कराते नहीं है. बात एग्जीक्यूशन की है कि आप एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, आपने प्लान क्या किया. आप जब सुपर ओवर में जा रहे हैं विद दैट मच ऑफ रिवर्स स्विंग, आपने ऐसा चांस नहीं लिया कि हम वो बॉल करें जिस पे को आउट का भी चांस हो. हम ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं, दैट मीन्स हम 9-10 रन देने को तैयार हैं ओवर में. हम ये नहीं सोच रहे, हमारी अग्रेसिव माइंडसेट नहीं है कि यार विकटों में मारे हैं, अगर इतना तरह रिवर्स हो रहा है तो इसको बोल्ड क्यों नहीं करना, इसको आउट क्यों नहीं करना, आप दो बॉलों में मैच ख़त्म कर सकते हैं. बट वो जो माइंडसेट था ना बचने वाला, उसी में 2-3 वाइट बॉल्स हुए. फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो बात करते हैं कि प्रोएक्टिव, कीपर के पास जा रहा बॉल एंड दे आर रनिंग टू, थ्रो कहाँ जा रही है कोई पता नहीं है. वो बिल्कुल ऐसे है जैसे माइंड बिल्कुल ऑफ हो गया है सडनली, और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है ऐसी सिचुएशन में. आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन. ओवरऑल अगर हम ओवर की बात करें ना, तो ओवर ठीक है, उनके बॉलर ने भी ऐसे ही बॉलिंग की है, मिस्टेक्स हमने खुद ज्यादा की है उसमें भी. मुझे ये लगता है कि नो डाउट अगर देखा जाए तो आमिर जो है वो राइट चॉइस थी. ठीक,
उसमें और शाहीन में से एक बंदे को जो है वो ओवर कराया जा सकता था। अगर हम देखें शाहीन जो था वो अपना राउंड द विकेट बॉल कर रहा था और मैंने बोला कि रिवर्स हो रहा था, और जो राउंड द विकेट वो रिवर्स हो रहा था बाहर निकल रहा था बॉल राइट हैंडर को, वो इजी नहीं था, उसमें बल्ले पे बॉल नहीं लगे, सिर्फ एक लगा है, वो भी लो फुल टॉस हो गई थी जॉन्स जिसने ओवर एक्स्ट्रा कवर जो है शाहीन को चौका मारा था, ये सुपर ओवर की बात नहीं है। तो वो मुश्किल एंगल था और उस एंगल पे हमने देखा है ओवर द इयर्स जितने लेफ्ट आर्मर्स हैं, वसीम भाई द ग्रेट वसीम भाई, उन्होंने जब भी राउंड द विकेट आके बॉल बाहर निकाला है वो नहीं, वो ऐसा एंगल है कि वो बहुत मुश्किल एंगल। तो शाहीन भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकता था सुपर ओवर, ठीक है शाहीन वाज आल्सो एन अल्टरनेटिव, लेकिन बात वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि सुपर ओवर तक बात आई ही क्यों, यू नो दैट दैट्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट दिस पॉइंट। मैं कह रहा हूं यूएस वाले लेके आए, राइट हैंडर जो दूसरे भेजे हैं जिन्होंने 14 बॉलों पे 14 रन किए हैं, जो एक ले मैन की जो ऑब्जर्वेशन हो सकती है ये तो अंदर की बातें पर है, ले मैन की ऑब्जर्वेशन ये है कि दिन का मैच है डेलस में, आमिर आता है 4 साल बाद टीम में, जब आप इसका रिएक्शन देख लें 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे तो इसने हाथ खड़े किए हैं ऐसे कि जैसे मैच ओवर इसने बहुत अच्छा किया और लगा ऐसे कि मैच खत्म हो गया, तो फिजिकली मैं नहीं कह रहा लेकिन इमोशनली इसका मैच खत्म हो गया, उसने 19वां ओवर किया उसने कहा जी अब ये मैच खत्म है, अब सुपर ओवर तक जब बात की है तो जो मेंटल एस्पेक्ट कह रहे हैं वो रेडी है ही नहीं, सुपर ओवर के लिए रेडी है ही नहीं, वो कह रहे हैं इतना स्कोर हो गया अब हम मैच जीत गए। सुपर ओवर में आप देखें तो मजाक हो रहा है क्योंकि जहां बॉल जा रही है वो दुक्का हो रहा है, तो ये आया ये फिटनेस का मसला है या मेंटल मसला है, इन दोनों में से एक मसला है क्योंकि उनकी दफा नहीं हो रहा कि बाउंड्री पे बॉल जा रही है और दुक्का हो रहा है। थ्रू आउट डिस्कशन जो है ना जारी रखेंगे बाद यहाँ तक पहुंची कैसी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के, पाकिस्तान की मिजरेबल परफॉर्मेंस की। बाजिद एक पॉइंट आया था मैच में अभी सब उसी पर डिस्कस कर रहे थे कि जब बॉल रिवर्स होना शुरू हो गया था पहले तो लग रहा था कि यूएसए बिल्कुल एंड तक आराम से ले जाएगा, फिर थोड़े थोड़े रन रोकने शुरू हो गए, कुछ एक आध विकेट भी गिर गई, बट देन इट केम डाउन टू दैट लास्ट ओवर बाय हारिस रऊफ। क्या लगता है कि वहां पे क्या वो प्रेशर में आ गए, मिस हिज लेंथ, व्हाट हैपेंड? मुझे अब ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप हारिस रऊफ को आखिरी ओवर में ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो कम्युनिकेशन बिटवीन बाबर एंड हिम वो बिल्कुल भी नहीं है, आप देखें जो आखिरी उसको शॉट लगा ये पहले भी एक दफा हुआ है ये, तो कैप्टन भी आके उसके पास आके पूछ सकते हैं हाँ जी किधर बॉल कर रहे हो क्या करना है, लेकिन वो ऐसे ही हुआ है हमेशा, ये मतलब पहली दफा नहीं है, मसला ये रिपीट ऑफेंडर है, ये पहली दफा होता तो चलो कहते चलो ठीक है, लेकिन ऐसे ही हुआ था उस मैच में, मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है ऐसे ही हुआ था, वो मैच शायद पाकिस्तान जीत गया था लेकिन ऐसे ही हुआ था और बाबर का भी यही रिएक्शन था, इसी तरह मिड ऑफ पे छक्का लगा था और बाबर मिड ऑफ मतलब आगे खड़ा हुआ था वो तो उसके पास ऐसे ही आया था, तो जब वो हो चुका है तो रिपीट क्यों हो रहा है? सही, एक और चीज है, चले मिड ऑफ ऊपर रखी हुई है रख लिया आपने, 5 रन चाहिए या उनको छक्का मारना है जीतने के लिए या उनको चौका मारना है मैच को टाई करने के लिए, अब वो ऐसी चीज है कि उसमें ये बंदे ने सारी उम्र बैटिंग की ये बैठे हुए हैं, आप क्या सोचेंगे, आप बड़े शॉट का सोचेंगे ना, आप ये तो नहीं मारने जाएंगे 150 वाले को, हाँ फाइनल लेग वो तो समझ में आ सकता है ठीक है, लेकिन आप इधर तो नहीं मारने जाएंगे ना, आप मिड ऑफ पीछे ले जाओ यार, मिड ऑफ पीछे ले जाए, चले उस पर्टिकुलर बॉल के लिए ले जाए, क्योंकि आप बड़ा शॉट सोचेंगे एज अ बैटर, आपको 6 रन जीतने के लिए चाहिए और चौका चाहिए टाई करने के लिए। एक्चुअली जो प्लान की बात वो कर रहे थे ना, यहाँ आपको पता चलता है कि प्लान आप देखें, जब आप कहीं आपने जाना होता है ना तो आप सबसे पहले रास्ता पूछते हैं, right. ये नहीं कि मैं यहाँ से लाहौर से या कराची से निकला हूँ और मुझे लाहौर जाना है तो मैं कहूँगा ओके जी रास्ते देखी जाएगी, वो रास्ता ही नहीं मुझे पता, यानी गेम प्लान प्रोसेस ही मुझे नहीं पता, आपने पहले डिस्कस करना होता है कि अगर मैं अंदर वाले यॉर्कर मार रहा हूँ तो मेरी फील्ड क्या है, जो शोएब बात कर रहे हैं ना, थर्ड मैन ऊपर था, पॉइंट भी ऊपर था, मिड ऑफ भी ऊपर था, आपने फाइन लेग स्क्वायर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन रखे हुए हैं, चार फील्डर रखे हुए टांग पे और आप समझ रहे हैं कि फॉलो करेंगे तो इधर शॉट नहीं लगेगी, लेकिन
साथ ये भी सोचे कि बैट्समैन नोज के अब मेरे क्या आने वाला है, सिर्फ अंदर वाला यॉर्कर आना है तो वो भी रेडी है थोड़ा सा रूम दे के मिड ऑफ के ऊपर से मारने के लिए। ये बड़ी दफा हमारी डिस्कशन हुई है कि जब हमने पीछे करते हैं ताकि आपने सामने वाली सारी ऑप्शंस जो है वो बैट्समैन की बंद कर दिए। अब ऐसी स्टेज पे बैट्समैन कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं चल के स्क्वेयर लेग पे चौका मार दूं, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल शॉट है वहां पे मारना और सर्कल में तो फील्डर है ना वहां पे। तो ये पहले से आपको डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सा गेम कर रहा हूँ तो मेरी कौन सी फील्ड होगी। देयर एंड देन प्रेशर में आप ऐसी गलतियां करते हैं, लगता है कि वो नहीं था। एक बड़ी नॉर्मली ऐसी फील्ड मैंने कभी नहीं देखी कि चार बंदे उस साइड पे हों। ये तब होते हैं जब आपने स्लो इनटू द पिच बॉल करना हो या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करना हो। यॉर्कर के लिए मैंने किसी टीम को ये नहीं देखा कि चार फील्डर ये वाले बाउंड्रियों पे। चलो ये फील्डिंग आपने रख ली, उसके बावजूद कोई एक आधा स्लो बंपर करा दो यार, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन तो ऑलरेडी है। अगर आपने सारे चारों पीछे रखे हुए हैं ऑन साइड पे तो आपके पास प्रोटेक्शन तो सारी है, उसमें आप वो बॉल कर सकते हैं, उसमें आप इनटू द पिच स्लोअर बॉल कर सकते हैं। आपने मतलब छः के छः बॉलें एक ही करने गए हैं और छः की छः यॉर्कर, मेरे ख्याल में आप 50 मैच खेलें तो शायद दो या तीन में लगेंगी कि छः की छः बॉल जो है वो यॉर्कर हो जाएं, या आप लेंथ बॉल को ही करा दें चाहे आउट होने का चांस उसमें बन जाए। सो लेकिन अगर आप छः की छः एक बॉलें कराएंगे तो आजकल जहाँ दुनिया पहुंच चुकी हुई है वहां पे आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। आप चार बॉलें आपकी निकल जाएंगी लेकिन दो बाउंड्रीज आपको फिर भी लगेंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट कि एक कैच भी जो था एरन जोन्स का वो भी ड्रॉप हुआ था, वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, बट वो ड्रॉप हो गया कैच एंड उसकी वजह से वही बात आ जाती है ना, आप इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, आप एटीट्यूड की बात कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर एंड दैट वॉज ऑल एक्चुअली मिसिंग येस्टरडे फ्रॉम पाकिस्तान। एनीवे बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेज यूएसए की और इतनी जबरदस्त विक्ट्री फॉर यूएसए। हम पाकिस्तान को तो डाइसेक्ट कर ही रहे हैं कि किस तरह से कहां कहां उन्होंने गलतियां की, बट नॉट टू टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम यूएसए बिकॉज जिस तरह से वो आए और उन्होंने परफॉर्म किया दे टोटली आउटप्लेड पाकिस्तान इन सो मेनी डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग फिटनेस। अगेन उनका डेब्यू वर्ल्ड कप है एंड आई एम श्योर दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री, समथिंग दैट दे विल चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। जब भी वो देखेंगे कि उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट की और उन्होंने एक पाकिस्तान जैसी टीम को हराया, सो इट्स टाइम टू रीलिव दोज मोमेंट्स, इट्स टाइम फॉर आइकॉनिक मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय लेज। ऐसे लग रहा है और पाकिस्तान के लिए अब obviously you know it's crunch time for them because they have to win their remaining games if they are to have any chance. इस वक्त आपके सामने USA is actually leading the points table, उनके चार points हैं, उन्होंने दो matches खेले हैं और दोनों जीते हैं। पाकिस्तान एक match खेल के हार गया, इंडिया अपना एक match जीत चुका है, Canada जो है वो अपना match हार चुका है और Ireland भी हार चुका है। So remember the top two teams will progress to the Super 8. So अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। Combination पे बात करते हैं शुएब, आप अबरार अहमद जो है वो सैर पे गए हैं, छुट्टी पे गए हैं, क्योंकि वो बहुत देर से टीम के साथ हमें नजर आ रहे हैं स्क्वाड में लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा। देखिए इबरार हमने देखा है उन्होंने रेड बॉल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हमारे PSL में भी बहुत अच्छा उन्होंने किया है और भी एक दो लीग्स में, कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी वहां पे बहुत अच्छा किया है। मुझे लग रहा है उनकी उंगलियां थक जा रही हैं क्योंकि वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं तो शायद इसलिए नहीं खिला रहे उनको अब वो तो कोई बचा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जिसपे मैं जरूर जो है वो इंफोसाइज करना चाहता हूँ। आप ये कहते हैं कि आजम और इफ्तिखार लास्ट के ओवर्स खेल सकते हैं क्योंकि दे आर स्ट्रोक मेकर्स, पावर हिटर्स हैं वो, ठीक है, अच्छा चले वो हैं। तो फिर आप जो मिडल ऑर्डर में खिला रहे हैं चार पे चले फखर आ जाते हैं, पांच पे आप शादाब को खिला रहे हैं, ठीक है, और आपको थोड़ा इशू हो रहा है इन नंबर्स पे, आप तीन चार पांच चले फखर थोड़े से सेटल हैं, तीन और पांच पे आपको मसला हो रहा है, ठीक है। शादाब ने कल 25 बॉलों पे 40 रन बनाए बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। शादाब जो भी है वो एज अ बॉलर खेलता है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा आपके आजम और इफ्तिखार वो नहीं खेल सकते अगर चार पांच पे, अगर उनकी बारी 10वें ओवर में 11वें में 12वें में आ जाती है या 8वें में आ जाती है तो भाई स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर कहाँ है? हमारे यहाँ पे बोला जाता है बड़े जी टैलेंट है वो, छोड़े जी मुझे तो मुझे बात बताएं कि आपका थिंक टैंक जो है या जो आपके ये चीजें चला रहे हैं वो उनको दिमाग नहीं उनका चल रहा कि यार हमें प्रॉपर बैटर चाहिए, हमारा तीन नंबर में मसला आ रहा है, हमारा आपने ओपनर जो है
उसको आपने चार पे सेट करवा दिया फखर को, लेकिन आपका तीन चार पांच आपको कोई मेन बैटर नहीं है। अगर नहीं कर सकते ये आजम और इफ्तिखार नहीं बैटिंग कर सकते ऊपर, अगर आपकी बारी आ जाए जल्दी आउट हो जाए तीन, तो भाई को ऐसी ऐसा कॉम्बिनेशन ले जाओ, को दो बैटर्स ले जाओ, स्पेशलिस्ट ले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी जो कि आपको पड़ गई। इतने सालों से आपको यही प्रॉब्लम आ रहा है ना, मिडल ऑर्डर नहीं है, मिडल ऑर्डर नहीं है, ओपनर सारे ट्राई कर दिए मिडल ऑर्डर में खिला खिला के, और अब आपको ये कॉमन सेंस है, इसकी कोई चीज समझ कोई मतलब कौन जवाब देगा इस चीज का। हमारे पास हालांकि मिडल ऑर्डर के हमने दोनों आप शादाब को भेज के ऊपर क्या जस्टिफाई कर रहे हो, यही कर रहे हो कि नहीं हमारा कॉम्बिनेशन ही ऐसे बनता है। नहीं भाई बनता आपका ऐसा कॉम्बिनेशन, जो 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 बैटर होता है उसी को खेलना आता है, उसी को खेलना आता है हर टाइप का, और जो आपका चार और पांच नंबर है उस पे आपको पावर हिटर्स नहीं चाहिए, उस पे आपको वो बंदा चाहिए जिसको तीन टाइप का खेलना आता है, उसको अलोंग द ग्राउंड भी खेलना आता हो, जो क्रिकेटिंग शॉट्स हम कहते हैं, उसको हवा में उठा के छक्के मारने भी आने चाहिए और उसको स्ट्राइक रोटेशन भी आने चाहिए। मुझे एक बंदा बता दें इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो ये काम कर सकता है, कोई भी नहीं है इसमें। और जो आपने फखर की बात कर रहे हैं ना, उसके ठीक है उसने रन्स बनाए हैं, लेकिन आप उसकी इनिंग्स उठा के देख लें, उसने हमेशा तब रन्स बनाए हैं जब उसको छक्का भी मिलता रहा है और चौका भी मिलता रहा है, स्ट्राइक रोटेशन के साथ वो रन्स नहीं बनाता। बाजिद ये बताएं कि ये ही इज टॉकिंग अबाउट कि एक प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए मिडल ऑर्डर में, तो पहले तो ये बताएं कि शादाब खान क्या है, इज ही अ बैटिंग ऑलराउंडर, इज ही अ बॉलिंग ऑलराउंडर, इस वक्त उनका टीम में क्या रोल है? शादाब खान इस टाइम पाकिस्तान के लिए वो बने हुए हैं कि ना निकले जा रहे हैं ना निकाले जा रहे हैं ना उगले जा रहे हैं। मसला है ये, अब शादाब खान को आप डिफाइन नहीं कर सकते। कल जो आपने टीम खिलाई है, शादाब खान इफ ही प्लेज एज योर वन स्पिनर तो फिर यही हाल होगा। शादाब खान कितनी डिस्कशंस हो रही हैं, कितनी देर से हम कह रहे हैं कि शादाब खान इज नॉट योर नंबर वन स्पिनर। अगर चार फास्ट बॉलर खेलते हैं मजबूरन आप उसको वन स्पिनर खिलाते हो। वन स्पिनर क्यों खिलाते हो, सॉरी के जी बैटिंग करता है तो फिर शादाब खान शुड बी लुक्ड एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। आप उसको स्पिनर इस तरह कंसिडर कर ही नहीं सकते। कल भी तीन ओवर उन्होंने किए, उनसे चौथा ओवर आप करवा ही नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट के वो सामने उसको छक्का लगा रहा है। तो वहां से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये अभी से प्रॉब्लम नहीं है, ये हम वर्ल्ड कप से पिछले वर्ल्ड कप से बात करेंगे। शादाब खान एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर इस टीम में फिट नहीं होता, और इस चीज को हम एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहले दिन से बात हो रही है आपकी ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 15, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि 15 में पांच सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं हो सकते। हाँ, बड़े टूर्नामेंट तो में जो भी थिंक टैंक है, सिलेक्शन कमेटी है, जिसने भी ये 15 बनाया है उसने वहीं पे आपको मजबूर कर दिया इस किस्म की सिलेक्शंस पे। अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता तो यहाँ आपके पास ऐसे मसले ना होते। मैं मामिर जमाल की बार बार बात कर रहा हूँ, जिस बंदे ने बैटिंग में ये दिखा दिया कि पावर हिटिंग, अगर इफ्तिखार के बाद किसी पे आप रिलाय कर सकते थे नंबर 7 पे 15 या 18 रन किसी कोई कर सकता था, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाया, उसने पीएसएल में भी दिखाया, वो था बॉलिंग। चाहे आप उससे सिर्फ दो ओवर भी कराते कल की अब टीम में, अगर वो होता तो आप आराम से, जैसे आपने आजम को जिस रोल के लिए खिला रहे हैं नीचे, इफ्तिखार उसके नंबर पर आ जाता और इफ्तिखार के नंबर पर अगर आपके पास आमिर जमाल होता तो आपके लिए बड़ा आसान था कि हाँ जी आपने इब्रार को भी डाल दिया और एक बैटर जो है उसकी जगह आपने एक ऑलराउंडर डाल दिया तो आपकी टीम का बैलेंस हो जाता और वो अगले इंडिया वाले मैच के लिए भी यही बनता। अभी अगर इमाद वसीम फिट भी हो जाता है तो अगले मैच में भी आपके लिए फिर एक इशू है कि वो ऐसी पिच है, वहाँ पर भी इंडिया ने दो जेन्युइन स्पिनर भी डाले हुए थे चार फास्ट बॉलर्स के साथ, और हम ऐसी पिच पे जहां स्पिनर का रोल था वहां पे भी जेन्युइन स्पिनर नहीं खिला पाए। तो ये बेसिकली पीछे से गंदी जो सिलेक्शन हुई या गलत सिलेक्शन हुई उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम है। अब चले वो 15 की सिलेक्शन हो गई आपकी, ठीक है, वो जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि एक ऑलराउंडर को डाल देते। चले अब आपने ये कॉम्बिनेशन खिलाया ना जो आपने खिलाया, अब आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप आजम को और इफ्तिखार को आपने वही रखा हुआ है आखिरी कुछ ओवर्स के लिए, आपको नहीं सक्सेस मिल रही, आपने शादाब को बहुत ऊपर खिला लिया आपको फिर भी नहीं सक्सेस मिल रही, कोई एक मैच में चेंज करके भी देख लो।
आप आजम और इफ्तिखार को जाने दो जो बैटिंग ऑर्डर है आपका, आप शायद आपको रखो नीचे, शायद उस तरह आपको सक्सेस मिल जाए जैसे बाबर खेला है कल, 44 रन बनाया 43 बॉल्स में। अगर उनके साथ जब शदाब आया है ठीक है वो अच्छा खेला, लेकिन अगर ये आएंगे आजम या इफ्तिखार आएंगे तो हो सकता है कि वो रन जो आप 159 कर रहे हैं उनमें से एक बारी भी लेगा, ज्यादा बॉलें मिलेंगी तो आपका वो हमेशा 190 होगा, 200 होगा, 180 होगा, इस तरह रन बनेंगे। तो आप उनपे आपने हर चीज ट्राई कर ली, ये ट्राई करके भी देख लो, मतलब लेकिन वो नहीं कर रही ट्राई। इफ्तिखार करें ना कि जो प्लेयर इफ्तिखार डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा चार नंबर खेलता रहा है, हम उसको पिजन होल कर लेते हैं कि ये आपका वो प्लेयर है जो एंड में चार पांच हो रही है, पॉलार्ड वाला हिसाब है कि बस चार पांच और खेलेगा, फिनिशर है। पावर हिटिंग में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट ओवर द कपल ऑफ ईयर्स उसी की है, बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली वो स्टार्ट और अभी तक वो प्रॉपर बैटर है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या वनडे क्रिकेट या इवन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें चार नंबर खेलता है। आप उसको ट्रस्ट नहीं करते, आप कहते नहीं जी अगर 12वां ओवर 13वां ओवर हो जाएगा उसके बाद इसको भेजेंगे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि चलो इफ्तिखार को भी भेज के देख लें। इसके मैं बात एग्री करता हूँ, ये वन प्लेयर है इफ्तिखार जिसको आप हमेशा उसको नीचे ही धकेलते रहते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि जी प्लेयर्स को यूटिलाइज तो सही तरह करें ना, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी कैपेबिलिटीज, अगर आपके पास यही स्क्वाड है और यही आपके पास रिसोर्सेज है, एटलीस्ट उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो आनी चाहिए। और वहां पे जो मैनेजमेंट बैठी हुई है और इतना बड़ा आपका थिंक टैंक बैठा हुआ है और कुछ नए लोग आए हैं जो कुछ पुराने हैं, दैट इज एक्चुअली देयर जॉब अलॉन्ग विद द कैप्टन। सो प्लेंटी टू डिस्कस हो रही थी पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन की, पाकिस्तान के स्क्वाड की, कल के मैच के हवाले से कि क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस थे विच कुड हैव बीन अवेल्ड एंड हाउ द रिसोर्सेज कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड बेटर। बॉलिंग की तो बात होगी मिसबा, लेकिन बैटिंग पे भी आ जाते हैं थोड़ा सा, बिकॉज शुरुआत तो उधर से ही हुई थी ना, बिकॉज यू जिस किस्म की कंडीशन थी उसमें ये समझा जा रहा था कि 160 स्कोर एज अ स्कोर कम है, स्ट्रगल नजर आया, बाबर ने शुरू में 9 किया 21 बॉलों में, तो उसको भी थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, जब अब कोई एश्योरेंस नहीं, कोई प्लान नहीं, तो फिर ऐसे ही होता है, सडनली आपकी दो विकेटें गिरती हैं, आप शट डाउन कर लेते हैं, खेलने जा रहे हैं मोस्टली इसी तरीके से। उससे पिछली को 3-4 इनिंग्स में मैंने देखा है उसको आउट होते हुए, आई डोंट नो व्हाई ही इज जस्ट गोइंग देयर, लेंथ बॉल पे समझ आती है, फुलर लेंथ को आप सीधा मारते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं कि रॉन्ग टाइम पे आप जो आउट हो रहे हैं, उस जो भी पार्टनरशिप आप जब वो हाथ में आता है उसको आप फिनिश नहीं करते। मलिक बार बार एक बात करता है कि जब आप सेट हो जाते हैं तो देन इट्स योर बेसिकली जॉब टू जस्ट मेक इट बिग। हम फिर वो बाबर का आउट होना वहाँ पे, दैट वाज आल्सो द टाइम वेयर हम इसको आराम से 180 तक लेके जा सकते थे स्कोर को। ठीक है, इवन आजम खान, आई मीन कल जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी नजर आ रहा था कि वो एक किस्म का जिसे कहते हैं प्रेशर ले चुके में हैं, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन हिम, एक उनकी लड़ाई भी हुई एक फैन के साथ जब वो वापस जा रहे थे, तो क्या आई मीन क्या किया जाए इस मामले के मामले इस इशू पे क्या किया जाए? देखिए उसका बहुत सिंपल सी जो चीज़ है वो उन्होंने ऑलरेडी बताई है मिसबा भाई ने, कि जब आप मेंटली गिव अप कर देते हैं तो तब आप जो है ना आपको अपॉर्चुनिटी भी मिले तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मुझे मेरे ख्याल में वो ये है कि उनको अभी जो है नहीं खिलाना चाहिए, उनको बिल्कुल अभी जो है ऑफ रखना चाहिए इससे, क्योंकि जो भी है एक चीज़ ज़रूर है, वो जिस तरह टीम में आए हुए हैं वो उस तरह नहीं आए हुए कि जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आते हैं, आप अंडर 13 खेलते हैं, 15, 16, 19, ये सारी जो हर्डल्स है आप क्रॉस करके आते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें आपके सामने आती हैं, आप फेलियर्स आते हैं, इस तरह का प्रेशर भी आता है आपके साथ, जहाँ आप अपने साथ बात कर रहे होते हैं दैट आई ट्राइड एवरीथिंग, नथिंग इज गोइंग इन माई फेवर, तो वो उस पोजिशन में है इस वक्त। अभी जो थिंक टैंक है हमारा, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको ब्रेक दें यहाँ पे, उनको बिल्कुल ऑफ रखें इस चीज से, यही एक सलूशन है यहाँ पे जो भी समझ आता है, और उसकी एग्जांपल्स भी हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, फखर जो थे 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले ही वो स्ट्रगलिंग, एक श्रीलंका का टूर हुआ था, ही डिडंट स्कोर रन्स, ही वाज स्ट्रगलिंग बिग टाइम, वर्ल्ड कप में आप गए आपने उनको नहीं शुरू में खिलाया, बट द गेम ही प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी
उसमें आके उस बंदे ने ऐसी इनिंग्स खेली और उसने आपको जो है वो मैच जितवाया। ठीक है, वो आप डीएल पे शायद आप मैच वो जीते थे, बेंगलुरु में वो मैच हुआ था, तो अभी उसको बिल्कुल ब्रेक दे देना चाहिए। दिस इज द राइट थिंग फॉर हिम एंड फॉर द टीम एज वेल। ठीक है जी, बाजिद यू थिंक ही नीड्स अ ब्रेक बिकॉज आई मीन मेंटली क्लियरली ही इज वेरी सॉर्ट ऑफ मेंटली बॉग्ड डाउन लग रहे हैं। हाँ देखिए, कल उसे ग्लव्स भी ले लिए गए ना, तो वो एक फैक्टर वो भी है कि एकदम आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें वापस लिए जा रही हैं। अब उसमें शायद इन्होंने उसको पावर प्ले सॉरी सुपर ओवर में इसको नहीं बैटिंग देनी थी, लेकिन वो 13th ओवर में बाहर चला गया है, तो वो ऑप्शन आपके पास थी नहीं। डिस्कशन हुई है जब सुपर ओवर में आपके ओपनर्स आ रहे थे तो कुछ 4-5 मिनट का डिले रहा है, काफी टाइम लिया, अंपायर्स भी कोई उनसे बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता क्या बात हो रही थी। शायद आजम खान का वो सुपर ओवर में इनका प्लान नहीं था, बट वो ऑप्शन आपके पास नहीं थी क्योंकि वो 13th ओवर में बाहर चला गया था। ये मलिक की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं मैं कि अब इस प्रेशर सिचुएशन में से इसको निकालना चाहिए। अब वो टाइम है कि इसको थोड़ा 1-2 मैच बाहर बैठे, शायद फिर वापस आके रिफ्रेश होके चीजें जाहिर है वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा तो कुछ सोचेगा। इस वक्त वो मेरे ख्याल उसका माइंड भी थोड़ा सा स्क्रैम्बल हो गया। जितना अच्छा वो स्पिनर्स को खेलता है और जितनी अच्छी वो हिटिंग करते हैं, कल जिस किस्म के स्पिनर लगे हुए थे, नॉर्मली PSL में ऐसा स्पिनर जिसका बॉल स्पिन नहीं हो रहा, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का बॉल स्पिन नहीं हो रहा था, एंगल से कर रहे थे, आजम खान ऐसे स्पिनर्स के सामने कभी नहीं फंसता। तो अब शायद वो मौका आ गया है, शायद इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया, इतनी डिस्कशंस हो गई हैं उस पे भी अफेक्ट करें, तो शायद उसको थोड़ा सा रिमूव करें, 2-3-4 मैच उसके बाद दोबारा लाएं तो वो बेहतरी हो सकती है। वो इस तरह भी हो सकता है ना जैसे आप बात कर रहे हैं, और हमने देखा है आजम के बारे में, हमने आजम को देखा है कि कोई भी स्पिनर हो, क्वालिटी स्पिनर भी जो है, शमसी क्वालिटी स्पिनर है, उनको अगर वो 3-3, 4-4 छक्के एक ओवर में मार सकते हैं तो किसी स्पिनर को भी मार सकते हैं। तो ये बात फिर वही आ जाती है, जब उसको आना चाहिए आप शदाब को भेज देते हैं। अब देखें आप मोस्टली ओवर्स तो शदाब ही खेलता है ना स्पिनर्स के, क्योंकि 4-5 पे वो मोस्टली आ जाता है अगर आपके जल्दी आउट होते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको रेक्टिफाई करना है और उनको कम करना है। तो लेकिन अभी के लिए आई गेस इट्स अ गुड आइडिया टू गिव हिम रेस्ट एंड सो ही कैन गेन सम कॉन्फिडेंस, स्पेशली अगर आप उस स्टेज पे आ गए हो कि अब आप मतलब फैन से आपका झगड़ा हो रहा है और आप मसला फिर वही है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, हमारे फास्ट बॉलर एक सुई गैस में थे, उनको बड़ा एतराज होता था कप्तानी पे, तो हफीज ने एक दिन ना कहा आज इसको कप्तान बना देते हैं, प्रैक्टिस मैच में कप्तान बना दिया, फ्लैट पिच थी, 40 ओवरों में कुछ 325 रन हुए, बॉलिंग शुरू हुई, हर ओवर में 4-4 चौके पड़ रहे हैं, अब मैं हफीज स्लिप पे खड़े हैं, हफीज ने बड़ा बर्दाश्त किया, कोई 7-8 ओवर के देखते हैं, 7-8 ओवरों में तकरीबन कोई 80-90 रन बन गए, आखिर हफीज से रहा नहीं जा, कहता है यार 10 की एवरेज से स्कोर हो रहा है तो स्लिपें तूने 2 रखी हुई, इनको निकालता क्यों नहीं है। कहते भाई मैं भी सोच रहा हूँ पिछले 4-5 ओवरों तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं कार्ड तो लगाऊंगा रखांगा कितने स्लिपों। आजम खान को हम रेस्ट तो दे दे, लेकिन आजम खान की जगह हमारे पास तो मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन है ही नहीं। Exactly. अगर उसको रेस्ट देंगे तो खिलाएंगे क्या भाई, आप उसको मिडिल ऑर्डर खिला ही नहीं रहे। अगेन मिडिल ऑर्डर क्या है, 4-5-6 वही बात कर रहा हूँ मलिक के, मसला हमारी टीम सिलेक्शन में वही है कि 5 ओपनर 4 ओपनर, जबकि हमें पता है कि ओपनिंग स्लॉट हमारी जो भी है हमने एक हमारी ये डिसाइडेड है, और फिर आपके पास बैकअप यहाँ पे नहीं है जो आपकी जगह वीक है, तो अब अगले मैचों में भी फिर आप अगर लेके भी आएंगे तो फिर आप एक ओपनर ही अंदर लेके आ सकते हैं। लेट्स सी अब पाकिस्तान इसका क्या सलूशन, मतलब साइम अयूब एक ऑप्शन है ऑब्वियसली, पीछे आपने कोई उस नंबर पे बंदा रखा तो है नहीं कि वो आके रिप्लेस करे, किसी और दूसरी टीम से ले लें वहाँ होंगे। वो मेरा ख्याल प्रिपेयर्ड आए होंगे ना, उन्होंने सोचा होगा क्या कंडीशंस हैं, क्या बैकअप होना चाहिए। हमारे पास जो इतना टोला रखा हुआ है ये नहीं सोचते, ये मतलब हाँ इतना बड़ा टोला है, टोला तो बहुत बिल्कुल बहुत बड़ा टोला है, टोला बहुत बड़ा नहीं जी, वहाँ पे मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं, मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं, टोला बिजी है, बहुत बिजी है मीट एंड ग्रीट करने में, $25-25 के मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं। अच्छा जी, टाइम हो गया एक और ब्रेक का। अच्छा जी, बात अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट USA वर्सेस पाकिस्तान, बाबर आजम इज की कप्तानी
इन सिचुएशंस में मिसबा बहुत देर से पहले वो कैप्टन थे, फिर उनको हटाया गया, फिर उनको वापस लेकर आ गए, अब उनके पास दोबारा मौका है। कैसे देखते हैं उनकी कप्तानी को, बिकॉज वो की मोमेंट्स हैं जहां पे लग रहा है कि उनकी कप्तानी भी टेस्ट हो रही है एंड उनकी बैटिंग पे भी वो असर नजर आ रहा है। आई थिंक के क्रूशल मैचेस में स्पेशली डिफेंडिंग अ टारगेट, वो जो श्रूडनेस आपको चाहिए होती है, स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए होती है, वो नहीं है। इवन इन टर्म्स ऑफ योर सिलेक्शन आपको समझ नहीं आ रही, आप एक चीज़ मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जो हमने वनडे का खेला है वहाँ से एशिया कप से जो चीज़ आपकी वर्क नहीं कर रही, आप उसका कोई सलूशन नहीं ढूंढ रहे, आप ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा, होता नहीं है, आपको कुछ ना कुछ उसका सलूशन ढूंढना है। और फिर चेंजेस, जैसे कल बात हम कर रहे हैं कि जी बड़े क्रूशल डिसीजन से मलिक ने पहले बात की कि दो राइट हैंडर सेट हैं और सडनली गेम ऐसी क्लिफ हैंगर वाली सिचुएशन में और आप एक नॉन रेगुलर ऑफ स्पिनर को वहाँ पे ओवर कराते हैं, फिर इसी तरह डिफरेंट टाइप आपने नसीम से ओवर नहीं कराया, आपने नए बॉल से सडनली आमिर बॉलिंग करने आ गया, और बड़े डिसीजन हैं कि जहाँ आप तो इतने अरसे के बाद आपको मेरे ख्याल में देखना चाहिए सिचुएशन, फिर आप अगर वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, आपकी जो फील्ड प्लेसिंग है ये बड़ी पुरानी चल रही है, जो डेथ बॉलिंग में हम मिड ऑफ ऊपर रख के स्लोअर वन मुंह में करा देते हैं, यॉर्कर मारने जा रहे हैं, और कितनी शॉटें हैं, कितनी बाउंड्रीज हैं जो कि कैचेबल होते हैं मिड ऑफ के ऊपर से जब जाती हैं और वो हम सीख नहीं रहे, वहाँ पर उसी तरह की हम गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये वो सारी चीजें। फिर नया बॉल हम कर रखे, एक और चीज आप कैरी ऑन रखें, आपने हारिस रऊफ को भेज दिया नसीम शाह से ऊपर, तो ये वो चीजें हैं, ये मिस्टेक्स हैं, वो जो आपका जिसने आपको मैच जिताया हुआ बैटिंग में ऐसी सिचुएशन में और वो आराम से जाके दो तीन छक्के मार देता है। पीएसएल में भी हमने देखा है कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है इस प्रेशर सिचुएशन में, उसने हैंडल किया हुआ मैच जीता, तो व्हाई You are sending Harris Rowe ahead of him. फिर आप जब नया बॉल कर रहे हैं तो यू आर बेसिकली कंट्रोलिंग थिंग्स, मिड ऑफ पे आप खड़े हैं, आपको पता है कि यार मेरे पास तीन बॉलर हैं जो 140 प्लस पे बॉल करते हैं, छः ओवर आप कराते हैं, नॉट अ सिंगल बाउंसर, आप ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो भाई ये किसने प्लान करना है, ये किसने बॉलिंग करानी है, देन यू आर नॉट, वेन द बॉल स्टार्ट रिवर्सिंग इवन then you are not trying to take wickets, आप सिर्फ कोशिश करेंगे स्कोर रोकना है, नहीं स्कोर कैसे, जब तक आप वेरिएशन ऑफ लेंथ नहीं करेंगे, थोड़ा दोनों स्विंग नहीं करेंगे उस टाइम पे, और वो मेक द मोस्ट ऑफ दैट रिवर्स स्विंगिंग बॉल, इट मीन्स कि आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अगला गलती करे कुछ हो जाए तो फिर मैं, और फिर फील्ड प्लेसिंग भी आपकी डिफरेंट, जैसे मैंने पहले भी बात की कि कौन सी फील्ड आपने रखी है, कौन से बॉल कर रहे हैं, लास्ट ओवर में ऑफ साइड ऑफ स्टंप आप बॉल कर रहे हैं, वहाँ पे छक्का नहीं लगना, हमारे जो फील्डर्स हैं वो बाउंड्रीज पे दो दो रन दे रहे हैं, और क्विक कौन सा फील्डर है बाउंड्री लाइन पे जिसकी आम तेज है, जो जल्दी ग्राउंड को कवर करता है, दो दो रन ले रहे हैं वो यूएसए वाले, जबकि ठीक है वो हमें वो स्कोर नहीं दे रहे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और जो है इसकी डेप्थ में जाना चाहता हूँ, ये जो कैप्टनसी की आपने बात की, देखें आपने ब्लॉकेज रखी हुई है अपने दिमाग में, वो आप ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज ये है कि जब आपने ये सोच लिया कि नहीं शदाब नहीं ऊपर जाना है तो ये यही है, ये ब्लॉकेज है, और ये भी ब्लॉकेज है कि जो आजम है और इफ्तिहार है उन्होंने लास्ट के ओवर में खेलना, ये ब्लॉकेज है, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही और आप नहीं सुन रहे तो ये ब्लॉकेज है, ठीक है। अब जो सबसे मेन बात है वो ये है कि बाबर आजम को कैप्टनसी करते हुए कितना टाइम हो गया, अब तो 4 साल पहले की, उसके बाद अब दोबारा, अब जो 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 एक्चुअल में प्रॉब्लम है और जिसको बहुत जल्दी फिक्स करने की जरूरत है, अब बाबर की कैप्टनसी 4 साल पहले की और आज की जो लास्ट मैच हुआ है, कल जो मैच हुआ है, मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आता, तो आप इम्प्रूव करते हैं, अच्छा कोई इम्प्रूव कर रहा हो तो आप जरूर उसको टाइम दें, क्योंकि वो इम्प्रूव कर रहा है और आपको डिसीजन जो है लॉन्ग रन में नजर आएंगे और कंसिस्टेंटली नजर आएंगे, लेकिन इन बाबर्स केस वो जो 4 साल पहले था एज अ लीडर वो आज भी वहीं खड़ा है, इवॉल्व नहीं हुआ है बाजित, इन शॉर्ट एब्सोल्युटली, ये पहले भी बात हो चुकी है, जब कैप्टनसी आप उसकी देखते हैं
नॉर्मली ये होता है, ये हमने पिछले इंग्लैंड सीरीज में मैंने एक बात की थी कि पाकिस्तान में सिर्फ एक कप्तान ग्रूम होके आया था, वो था मिसबा। मिसबा ने ए टीम की बे इंतहा कप्तानी की थी, उसके बाद ये पाकिस्तान का कैप्टन बना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कप्तानी की। वेरी रेयरली होता है पाकिस्तान में कि कप्तान ग्रूम होके पाकिस्तान टीम आए, बाबर का भी वो हिसाब है। बट होता यह है कि जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हो, आप कप्तानी करते हो कई साल, तो आप फिर बेटर कैप्टन हो जाते हो। वसीम अकरम की मैं बात करता हूँ, वसीम अकरम जब पहली दफा आए थे तो वो कप्तान इतने अच्छे नहीं, बाद में जैसे वो डेवलप हुए तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में अगर आप कप्तानों के नाम लें तो वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहे थे। इसी तरह अगर आप बाबर को देखें, बाबर कप्तानी को अब टाइम हो गया है लेकिन इवॉल्व नहीं करा, नॉट वर्ल्ड क्लास बैटर है वो, दैट इज मतलब वो उसकी डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन कप्तानी में इवॉल्व नहीं हो रहा। अब दूसरा, इसमें जो T20 क्रिकेट है इसमें डेटा एनालिसिस, नंबर्स, फिगर्स ये बहुत चलते हैं। मैंने इफ्तिखार की बात मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान से भी पूछी लेकिन इनके फ्रेंचाइज से भी पूछी। वो कहते हैं कि जी ये स्ट्रगल करता है, अगर इसको ज़रा जल्दी भेज दें क्योंकि रिस्ट स्पिन के खिलाफ ये वीक है, इसको गुगली पिच नहीं होती और रिस्ट स्पिन पे स्ट्रगल करता है, तो इसको आप ऊपर वाले ऑर्डर में भेज नहीं सकते। देखिए बाजीद, अगर वो गुगली पे स्ट्रगल करता है, गुगली पे तो बाबर भी स्ट्रगल करता है, तो वो तो ओपनर ही जाता है। सही। तो ये जस्टिफिकेशन तो मुझे नहीं समझ आती कि एक बंदा जो है, अच्छा तो वो क्या बाहर बैठ के, आपको पता है उसने ही मैच जितवाने हैं, वो आपका बेस्ट पावर हिटर है, ठीक है, उसने रीसेंट ईयर्स में बहुत इंप्रूव किया है, तो आप क्या वो बाहर बैठ के उस चीज को सही कर लेगा? वो भाई आप उसे अंदर डालेंगे तो वो सीखेगा ना, आप वो मिडल में जाके जब खेलेगा तो वो उस चीज को सीखेगा। ठीक है, यानी कि उसको बॉक्स मत करो कि वो इसी नंबर का जो है प्लेयर है, ही कैन आल्सो बी फ्लेक्सिबल एंड प्ले एट हायर नंबर। जो ये कह रहे थे गुगली तो हमारे बहुत सारा गुनी समझ आती है। गुगली हां एग्जैक्टली, मतलब बात तो उनकी सही है, कितने बैट्समैन जो एक्चुअली पिक कर लेते हैं, स्पेशली अच्छी गुगली तो नहीं। एक टाइम पे तो मैं कोचता तो मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह मैं गुगली बन जाऊं, किसी को नजर ही ना फिर भी आपने नजर आना था। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, वी टेक अ ब्रीदर।